हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन बटन जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज कोटा है, RUHS है और SMS कॉलेज है। इन कॉलेज में कितनी परसेंट सीट्स खाली रहने की संभावना है और कितनी रही है कोटा की, मैं लगभग कन्फर्म सीट्स आपको बता दूंगा और RUHS की एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ तो कितनी सीट्स खाली रही RUHS में और SMS में, लगभग कितनी सीट्स खाली रहने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो और कारण क्या है जिस वजह से सीट्स खाली रही है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोटा की, ठीक है। कोटा की बात कर लेते हैं, जो ये देख लो, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज कोटा, इसमें फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। सभी कॉलेजों का RUHS की जो काउंसलिंग थी उसका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है। BSC नर्सिंग कितनी सीट्स खाली रही कोटा की बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं आपको बता दूँ, BSC नर्सिंग की लगभग 15 से 17 सीट्स खाली रही है कोटा के कॉलेज में। 15 से 17 सीट्स मैंने पहले बता दिया था कि 15 से 20 सीट्स खाली रहने वाली है, तो 15 या 17 सीट खाली रही है। जहां तक पूरा चांस 17 के आसपास सीट्स खाली है, लेकिन आप तो 15 मानकर चलो, ठीक है। 15 सीट्स गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज ऑफ कोटा में खाली रही है। ये सभी कैंडिडेट्स के लिए गुड न्यूज़ है जिनका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हुआ था और वो एक एक नंबर से रुके हुए थे, उन स्टूडेंट्स के लिए ये गुड न्यूज़ है। उनको आराम से कॉलेज मिल जाएगा, अब जिनको एक नंबर से बचे हुए थे उनको अब कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड राउंड के लिए क्या करना होगा इस वीडियो में बता दूंगा आपको, और फिर से क्या चालान बनवाना पड़ेगा तो मैं बता दूं आपको, फिर से चालान बनवाने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला था उन लोगों को कुछ भी नहीं करना, अपने आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट हो जाएंगे वो लोग। और जिन लोगों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया था तो उनको अपने जो काउंसलिंग पोर्टल है, वेबसाइट है, वेबसाइट पर जहाँ पे आप काउंसलिंग को क्लिक करते हैं, वहाँ जाने के बाद आपको एक लॉगिन करने के बाद येस और नो का ऑप्शन नज़र आएगा, तो आपको वहाँ सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए येस करना होगा और नहीं लेना है पार्टिसिपेट तो नो करना होगा, ठीक है। ये बात हो गई इसकी। अब RUHS की बात कर लेते हैं, तो RUHS के लिए मैं पहले बता चुका था, RUHS में 10 से 12% सीट्स खाली रही है। कितनी सीट्स खाली रही है? 10 से 12% सीट्स खाली रही है। इसी के साथ साथ SMS में 5 से 7% सीट्स खाली रही है, इसके बारे में पहले बता चुका था। और इसका मेन रीज़न है आपका 50,000 वाला बॉन्ड, जो 50,000 रुपये का बॉन्ड है उस बॉन्ड की वजह से ये सीट्स खाली रह रही है, ठीक है। यदि सीट्स बढ़ जाती हैं तो सीट्स नहीं भरी क्योंकि स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम 50,000 का बॉन्ड ना भरे। तो ये डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या MP या किसी और बोर्ड का हो, चाहे IIT-JEE, NEET या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने सारे फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर देना। धन्यवाद।